बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। थोड़ा वक्फा लंबा हो गया है। आज हम बात करेंगे नवेली पर्चेज ऑर्डर पे। हमने पिछले दो लेक्चर में रेगुलेशन पे बात की और कोटेशन पे बात की, और कोटेशन एनालिसिस पे बात की हमने। आज हमारा तीसरा है जो लेसन है, वो है पर्चेज ऑर्डर का। पर्चेज ऑर्डर मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है परचेज प्रोसेस में। वो इस तरह है कि जो दूसरी पार्टी को हमने इंफॉर्मेशन देनी है वो की जाती है परचेज ऑर्डर के थ्रू। परचेज ऑर्डर के अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि स्क्वायर का क्या नाम है, फिर वैली उसकी क्वान्टिटी कितनी है, आइटम कौन सा है, चाहिए कब कब, मतलब कि एक ही दफ़ा चाहिए या आपको मतलब कि मतलब शिपमेंट चाहिए। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो परचेज ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होती है। एक पूरा फॉर्मेट है परचेज ऑर्डर का, कस्टमाइज फॉर्मेट होता है जिसको आप चाहें तो मतलब कि वो कुछ डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं अपनी सोल्व के मुताबिक। परचेज ऑर्डर में आपका मन भी है उसमें क्या होगा कि आपका स्क्वायर नेम होगा, उसकी लोकेशन होगी, और उसके बाद उसका आइटम होगा, फिर आइटम कोड है, उसकी क्वांटिटी है, फिर उसका यूनिट है, फिर उसकी प्राइस है, और फिर उसकी डिलीवरी है। परचेज ऑर्डर में जब आपके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपने कोटेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक जिसकी आपने अप्रूवल ली है कंपेरिजन स्टेटमेंट में, कंपेरिजन करने के बाद वो आप उसके अप्रूवल लेके फिर आप अपने सप्लायर को रिफाउंड कर देंगे। यानी मुझे इतने आइटम इस प्राइस पे और वो मुझे चाहिए फलां डेट पर, फलां डेट से आप डिलीवरी शुरू करेंगे और फलां डेट को ख़त्म करेंगे। डिलीवरी शुरू करने का और जो जो ख़त्म करने का है वो तो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी कोटेशन डेट्स पे। जो आपने ऑर्डर अपने आपके कस्टमर से आया है उसको आपने कैसे स्टार्ट करना है, जो आपका प्रोडक्शन प्लान है, और जैसे आपने उसको रिफिनिश करना है तो उसके मुताबिक आपको जो आपकी गुड्स है वो कम से कम 4 से 5 दिन पहले आपको मिलनी चाहिए ताकि आप उसका जो है क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह कर सकें और वो सिस्टम में आ सके। ये जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, प्लेसमेंट के बाद फिर उसका प्रचलन के बाद उसकी पहले होती है इसके लिए आप क्या ऑर्डर मंगाएंगे उसका, मतलब कि आपने 100 आइटम की बच की है, आपने दिया है परचेज का ऑर्डर दिया है तो कम से कम 10 आइटम उससे पहले मंगवा लें और अपने सिस्टम में चला के देख लें। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर उसमें कोई गलती है, कोई मिस्टेक है या उसमें कोई रस्मी का मसला है वो आप पहले चेक कर लेंगे, और उसमें इनकेस अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो अपना डिस्प्लेयर उसको कह के दोबारा उसे ठीक करवा सकते हैं। और अगर आप मतलब कि वो इस तरह ऑर्डर दे देंगे कि आपने उसकी अप्रूवल्स पहले उसे नहीं दी है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो गलती हो जाए प्रोसेस में और वो प्रोसेस आपका 100 का 100 आइटम खराब हो जाए, तो क्या होगा कि आपको नुकसान तो होगा ही होगा, उल्टा आपको जो साथ है जो जो आपकी जो शिपमेंट डेट्स हैं वो सब डबल हो जाएगी, अब उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए होता है कि जो सैम्पलिंग जो प्रोसेस है परचेज ऑर्डर का, मतलब जो इमाज है जो सैम्पल लाट है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। सैम्पल लाट लेके आपका जो आपकी क्वालिटी जो टीम है उसे उसको अप्रूव कर दिया और बिस्मिल्लाह और वो चला दें आप, और फिर उसको अगला ये कि आपने उसको मॉनिटर करना है कि जो आपकी जो डेट्स हैं वो फुलफिल हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो आपने डेट 10 तारीख दी है वो 10 को वहाँ से भेज रहा है,
जो आपका स्पायर है, स्पायर को आपको जितना टाइम आपका लीड टाइम है मतलब तो 10 का मतलब ये है कि आपकी फैक्ट्री में वो 10 तारीख को चीज़ पहुँचनी चाहिए। इट मीन्स कि वो आपको जितना आपका डिस्टेंस है और 24 आवर क्या है, 2 घंटे का है या 4 दिन का है, वो जो शिपमेंट टाइम है उसको भी शिपमेंट टाइम करते हैं मुश्किल। जो जो उसने मतलब है कि आपको वहाँ से डिस्पैच में और आपको मिलने में जो टाइम लगता है, वो जो टाइम है वो टाइम आपका मतलब कि वो खुद उसको बेल करेगा और वो 10 को वहाँ पे आपके पास पहुँच जाए, ताकि जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर ली है तो 10 को अवेलेबल हो। तो यहाँ तक होता है कि वो आपकी जो क्वालिटी इंस्पेक्शन वगैरह है, जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर ली है तो वो आपका पहले आपके पास अवेलेबल हो। अब आपकी जो आपका सैंपल हो गया, सैंपल अप्रूवल हो गया, आपने प्रोडक्शन शुरू करती है और उसके बाद आपकी क्वालिटी इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हुआ। जैसे जैसे आपकी लॉट्स आएगी आप साथ साथ उसकी जो आपकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करते जाएंगे। ये इस तरह होता है कि आपका सैंपल तो अप्रूव हो गया, मगर जो आपके जो स्पायर का प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कोई फॉल्ट आ सकता है। उस फॉल्ट को चेक रखने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली वो आपको इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, ताकि आपके फिर उसमें अप टू द मार्क उठ जाए, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और उसका ये है कि आप अपने स्प्लायर को अलाइन रखेंगे। तो जो पहले हम बात कर रहे थे ना कि जो स्प्लायर डेवलपमेंट है, वो सारी बातें स्प्लायर डेवलपमेंट की है। अगर आपने पहले जैसे कहते हैं ना कि वो जब रिश्ता विश्ता करना होता है ना, तो पहले आप रिश्ता करने से पहले पहले देखते हैं कि बेटी का करना है या बेटे का करना है, आया जिससे रिश्ता कर रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, तस्वीर है, उनकी रेपो कैसी है मार्केट में, मिलने जुलने में कैसे हैं। और अगर तो आपने सारी चीज़ें चेक की हैं तो इंशाल्लाह ये है कि आपको मतलब कि वो मसला मसाला पता नहीं होगा। इस तरह आपका सप्लायर है, सप्लायर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हुई है, डेवलपमेंट में सारे ये फैक्टर आपने नज़र रखे हैं, उसके इक्विपमेंट के, उसकी प्रोडक्शन के, उसकी जो टीम की, उसकी स्किल्स के। तो इंशाल्लाह ये है वी एक्सपेक्ट कि वो आपको इशू नहीं आएगा। ये बातें बड़ी बड़ी ना मैं समझता हूँ थोड़ी थोड़ी एडवांस लेवल में जा रहे हैं, लेकिन ये इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं टच दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें जो है ये आपका जैसे जैसे सिस्टम आपका माशाल्लाह ग्रो करेगा उसमें चीज़ें आपको बड़ी सस्ती हो जाएगी। अगर शुरू से आप इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि आप फिर उसमें मतलब कि वो क्या होगी, इंसान की मतलब फितरत है ना, तो वो आहिस्ता 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 मतलब टारगेट करता है और चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी क्वालिटी इंस्पेक्शन के साथ साथ आपकी चीज़ें रिसीव होना शुरू होती है, उससे जो प्रोसीजर आ रहा है उसके साथ ही क्या उसका मसला भी वो आपने जब गुड रिसीव करते हैं तो रिसीव करने के साथ साथ उसकी जो गुड एंट्री है जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं, जो अपना जो आपका वेयर हाउस है उसमें प्रॉपरली रिसीव होना शुरू हो जाए और उसका जो 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 उसकी रिकॉर्ड कीपिंग है प्रॉपरली वो उसकी रिसीविंग हो रही है और प्रॉपरली इशू हो रहा हो, उसका यह है कि आपका जो जो आपका वेयर हाउस है थोड़ा सा आपको वेयर हाउस का भी थोड़ा आइडिया दूंगा। वेयर हाउस में सबसे अच्छी मेरे सुन ये है कि आप जहाँ गुड रख रहे हैं उसमें प्रॉपर वहाँ उसकी जो स्टैकिंग की जगह हो, और जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस तरह आप उसको स्टैक कर रहे हैं वो तो कल आपने उसको इशू भी करना है। नॉर्मली होता है कि बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं और चीज़ें जो गुम जाती हैं, आपने उसको लोकेशन दे के लोकेशन का क्योंकि लोकेशन का भी एक आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम है उनका, तो उसको पहले ही वहाँ पे आपको पता हो कि मैंने फ्लान एक्ट में रह के मतलब कि पिन नंबर 261 है उसमें रखा है जी मैंने, वो आपको कल चीज़ें रिट्रीव करने में मतलब कि वो ईजी होगा। नॉर्मली जो नए सिस्टम वो क्या होता है कि आपने चीज़ तो रख दी है, पीछे चीज़ें और आ गई हैं और हुआ क्या कि जनाब वो कल जब आपको प्रोडक्शन में चाहिए तो वो जनाब आपको जो अगर हम नहीं मिल रहा और अल्टीमेटली क्या होता है कि नुकसान होता है टाइम का,
करनी चाहिए, ये जो 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 सिस्टम है, जो जो आपकी कंसल्टेंसी है वो बेसिकली इसीलिए दी जाती है कि सब चीज़ें जिनको आपने एक्सपेक्टेशन होती है कि चीज़ें ये मसले आ सकते हैं उनको अवॉइड किया जाए और चीज़ों को सिस्टमाइज करके शुरू से चले आप। जो बेरो के बाद फिर मतलब कि जब आज हम बात कर रहे हैं मतलब पीओ से लेके तो बेरोसंगा भी अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा, अगर चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये काफ़ी ना मतलब कि वो थोड़ा रिक्वायर्ड है कि हमें मजीद इसमें चीज़ें जो है वो देखी जाए कि क्या क्या करना है, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ये दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे और आपको तरक्की दे, अल्लाह आपको खुश रखे और ये जो दूसरों को भी खुशियाँ बांटने की तौफीक दे, आपकी टीम, आपके घर वाले सारे खुश रहे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।